बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको चलना पड़ेगा कविताज किचन में, और कविताज किचन में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं दिन के खाने में बना रही हूँ बकरी के गौड़े, यानी कि खरुड़े। कोई लोग खरुड़े बोलते हैं, कोई गौड़े बोलते हैं, और उसका सूप बना रही हूँ मैं। और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, आप लोगों को पता ही है। अगर किसी के हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं और उस समय डॉक्टर यही कहता है कि खरुड़े के सूप पिलाओ, और हड्डियाँ भी उससे मजबूत होती है, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैं आज आपको बनाऊंगी कि खरुड़े का सूप किस तरीके से बनाया जाता है। और हम दिन के खाने में आज चावल के साथ खरुड़े का सूप ही बनाएंगे और उसी के साथ खाएंगे, और वो मैं आपको चलो दिखाती हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया था कि खरुड़े का सूप मैं इस वाले किचन में नहीं बनाती हूँ, उसके लिए मैं आपको ले चलूँगी दूसरे वाले किचन में, और दूसरे वाले किचन में खरुड़े का सूप बनाकर दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। वो आपके और हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। और चलो मैं ले चलती हूँ आपको अपने दूसरे वाले किचन में, चलो चलते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं खरुड़े, यानी कि बकरी के गौड़े। और इसको मैंने धो करके, इसमें थोड़ा हल्दी लगा करके, इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे, और तब तक बनाएंगे हम ग्रेवी। और ग्रेवी जब बन जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए, खरुड़े के लिए मैंने इस तरीके के प्याज काट लिए हैं, और साइड में गैस के ऊपर चढ़ा लिया है कुकर। कुकर में डाल लिया है तेल, और तेल मेरा जल चुका है। और अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कुछ खड़े मसाले। ये मैंने ले लिया थोड़ा खड़ा मसाला, इलायची, काली मिर्च, लौंग, जायफल वगैरह ले लिया है। इसको डाल देंगे हम इसमें, और इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे हम तेज पत्ता, और तेज पत्ता के बाद हम डाल देंगे प्याज को, कटे हुए प्याज को डाल लेंगे। और प्याज को हम ब्राउन होने तक तेल में भूनेंगे। इस तरीके से मैंने प्याज डाल लिए हैं, और प्याज को हम अब ब्राउन होने तक भूनेंगे। चलो चलते हैं प्याज की, और देखते हैं मेरे प्याज भूनकर तैयार हुए या नहीं। देखिए, मेरे प्याज ब्राउन कलर के हो चुके हैं, भून चुके हैं प्याज। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे अब हींग, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए, हम हींग टेस्ट के लिए, हींग से अच्छा टेस्ट आता है। और ये डाल दिया मैंने हींग, और अब डाल देंगे हम ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक पेस्ट अच्छे ढंग से भूनकर तैयार ना हो जाए, जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, तब तक हम इसे प्याज के साथ भूनते रहेंगे। कम से कम 15 मिनट हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी भूनते रहेंगे, और तब देखते हैं। देखिए, अब हम एक बर्तन लेंगे, और बर्तन में थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डाल दिया हमने धनिया पाउडर, और ये डाल देंगे जीरा पाउडर, ये डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काटी हुई है, इसलिए मैं मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये डाल देंगे कविताज किचन का स्पेशल मसाला थोड़ा सा। ये डाल दिया है मैंने सारे मसाले। अब सारे मसालों को क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख देंगे, और पानी के साथ इस तरीके का पेस्ट बनाएंगे, और इसे थोड़ी देर यूं ही भीगने देंगे। ये मिला लिए हैं मैंने सारे मसाले, और इसे हम यूं ही 10 मिनट के लिए भीगने देंगे। देखिए, मसाला भिगोए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और मसाला मेरा भीग चुका है। और इधर देखते हैं
कि हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भुना या नहीं। देखिए ये भी भून कर तैयार हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और अब इसमें डाल देंगे हम भिगोए गए मसालों को। और ये देखिए मैंने मसाले भी डाल लिए हैं और मसालों को कुछ देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो ये बर्तन मसाले का था इसमें थोड़ा पानी डालने के बाद इसे भी साफ कर करके इसमें ही डाल लेंगे और मसालों को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और गैस को कर देंगे कम और इसे कम से कम 15 या 20 मिनट पकाते रहेंगे। देखिए इधर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लिया था और इधर देखते हैं हम हमारे मसाले पके या नहीं। मसालों में बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है, समझ लो मेरा मसाला पक चुका है। देखिए इधर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लिया था और चलो इधर देखते हैं कि हमारा मसाला पका या नहीं। देखिए मसाले में से बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है और हमारा मसाला पक चुका है, क्योंकि मसाले ने तेल ने मसाले को छोड़ लिया है, अलग अलग हो चुका है। देखिए इस तरीके से हमारा मसाला पक चुका है। और अब हम क्या करेंगे, मसाले में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और टमाटर के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर यूं ही मसाले के साथ पकने देंगे। और ये देखिए ये डाल दिया है मैंने टमाटर का पेस्ट। और टमाटर के पेस्ट के बाद अब बारी आती है नमक की, जो मैंने अभी डाला नहीं था। और नमक अब डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और ये ले लिया है मैंने नमक, ये डाल चुकी हूँ मैं नमक, देखिए। और अब नमक डालने के बाद हम इसे फिर से चलाएंगे। इस तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें रख देंगे ढक्कन और कम से कम 10 मिनट टमाटर को भी यूं ही हल्की आंच में पकने देंगे। देखिए मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ दूसरे किचन में, जहाँ मैंने खरोड़े धोकर रख लिए थे। और अब देखते हैं मसाले को, मसाला तो हमारा पक चुका था। ये देखिए ग्रेवी मेरी इस तरीके से बनकर हो चुकी है तैयार और बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और इसमें डाल देंगे अब हम खरोड़ों को। इन खरोड़ों को हम कुछ देर मसालों के साथ भूनेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिए सारे खरोड़े। अब खरोड़ों को मसालों के साथ कम से कम 20 मिनट तक हम यूं ही भूनते रहेंगे, जिससे कि हमारा मसाला पूरा का पूरा ढंग से खरोड़ों के अंदर तक चला जाए और खाने में हमारे खरोड़े बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए मैंने खरोड़ों को मसालों के साथ मिला लिया है और मिलाने के बाद कुछ समय के लिए रख लेंगे ढक्कन। और जब ये ढंग से मिल जाएगा, भुन जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो चलते हैं खरोड़े की ओर और देखते हैं कि हमारे खरोड़े ढंग से भुने या नहीं। देखिए खरोड़े बहुत अच्छे ढंग से भून चुके हैं और आधा पक चुके हैं। देखिए इस तरीके से हमारे खरोड़े भूनकर हो चुके हैं तैयार मसालों के साथ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर मैंने गैस में चढ़ाया हुआ था गर्म पानी और इस गर्म पानी को हम खरोड़ों के साथ डाल देंगे। जितना आपको चाहिए उतना पानी डालें, कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने आपके खरोड़े हैं, उसी हिसाब से आप पानी डालें। और ठंडा पानी न डालें, गर्म पानी ही डालें। ठंडे पानी से टेस्ट खराब हो जाता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए गर्म पानी ही डालें। ये देखिए डाल दिया है मैंने गर्म पानी और थोड़ा सा और डालूंगी, जिससे कि ये पकने के बाद कम हो जाएगा तो इसका बराबर हिसाब बना रहेगा। देखिए इस तरीके से मैंने खरोड़ों में पानी डाल दिया है। अब खरोड़ों पे कम से कम मैं 10 या 12 सीटी मारूंगी, जिससे कि ये ढंग से पक जाएं और इनके खरोड़ों के हड्डियों का जो रस है वो हमारे तरीके साथ निकल आएगा और ये खाने में बड़ा टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए
खरुड़ों पे अब हम 10 से 12 सीटी मार देंगे। देखिए कुकर में मैंने लगा लिया है ढक्कन और अब इसको इंतजार करेंगे 10 या 12 सीटी का, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप यूं ही बने रहिए मेरे साथ, पकने के बाद दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी हो रहा है और मैंने तो बनाया ही ऐसे, मुझे टेस्टी तो लगेगा ही। चलो अस्मित से पूछते हैं, अस्मित बताएगा आज के कैसा हो रहा है। खरोड़े का सूप बहुत अच्छा हो रहा है और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप भी बनाएं और कमेंट से लाइक एंड सब्सक्राइब। हड्डी मजबूत होती है इससे, इसलिए खाना चाहिए। बहुत टेस्टी बन रखा है और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे खरोड़े का सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।